Bande Guru Padodandam Bhaktabindasamanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha kalpataruvasya kipa sindhu vyavacha patitanang pavonebhyo vaishnavebhyo namo namah mukang karoti vachalang pangung langhayatagirim yat kipatamahang vande paramaanandamadhavam brindavai tulsidevai piyavai kesavasacha Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namah Narayana Namaskritta Naruncaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadesh Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksha Jagod Varun Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vetatiham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charunaravindam Yat Padapallavanakachandamani Chataya Vispurjita kimapi gabhavadu svadarshi Purnanuragara sasagara saramurti Saradhikamahi kada kipam karushi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhaktabinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka budato Sankirtanai kapitaro kamalahataksho Pishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurair Bandito Dibbarupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dadasi Nitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jatha kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamanango madapuharam Varanasipurapati bhajavi shanatham Vagi sajusho badane Lakshmi jasya cha bakshashi Yasyaste hidaya sambihir Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नैतात मनो में तब कथास वैकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टमसाधुतुवरम कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्थम तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि दीनः। नैतात मनो मे तव कथासु वैकुण्ठनाथ संप्रीयते दुरितदुष्टमसाधुतीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि दीनः। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपात जगत गुरुजी ने बताए अपराकित जगत का साथ नाता जोड़ने का एक ही रास्ता खुला है, वो है अपराकित शब्द ब्रह्म का सहारा लेना। दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जगत गुरु जी ने बताएं अपराकित जगत का साथ नाता जोड़ने का दूसरा कोई रास्ता है नहीं, एक ही रास्ता खुला है, वो है अपराकित शब्द ब्रह्म का सहारा लेना। अपराकित जगत का शब्द ब्रह्म का सहारा लिए बिना, अपराकित जगत का साथ संबंध जोड़ने का दूसरा कोई रास्ता है नहीं। दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, ठाकुर जी मेरा मन इतना दुष्ट है, बदमाश है, आपका कथा में रुचि नहीं लगता। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, ठाकुर जी आपका कथा में कोई रुचि नहीं लगता, हमारा ये दुष्ट मन, हमारा ये अत्यंत दुष्ट मन आपका कथा में बिल्कुल हमारा मन लगता नहीं। अब क्या करे? नहीं तद मनो में तब कथा सु वैकुंठनाथ संप्रियते। संप्रियत मतलब जो हरिकथा भगवान का अगर अंतर से खिंचावट है सुनने का, संप्रियते दुरितो दुष्टम असाधु तीव्रम, दुरितो दुष्टो माया के द्वारा पीड़ित है, छह किस्म का अनर्थ घेर के रखे हैं हमको। इस हालत में आपका जगत का अनुसंधान, आपका चरण का ठिकाना कैसे मिल सकता? इस हालत में कैसे संभव है या आपका चरण का ठिकाना मिले? क्योंकि हरिकथा में मेरा मन नहीं लगता। नैतात मनो में तब कथा सुवैकुंठनाथ संप्रीयते दुरित दुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्थम तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि दीनः। इतना तो दीन व्यक्ति हूँ मैं, पतित व्यक्ति हूँ, अब हरिकथा में अगर लगन नहीं है तो आपका चरण में कैसे पहुँचे, ठिकाना कैसे मिले? हाँ, इसी बात को काल भी चर्चा कर था। शोभनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम हैं वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम, दास्यम आत्मनिवेदनम इति पंक्षार्पिता इति पुंसार्पित विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियेतो भगवते अध्या तन्मन्ये अधितमुत्तमम। प्रहलाद महाराज 6 किस्म का भक्ति का 6 किस्म का 6 फोल्ड ऑफ डिवोशनल प्रैक्टिस का बारे में हमको दिखाए, ये प्रधान है। और काल ये भी चर्चा किया था जो हमारा अंतर्द्वीप जो है मायापुर गोकुल, इसके चारों ओर 8 दल कमल फूल के जो दल है, ये 8 और 8 द्वीप जो है, इन द्वीपों में मैं चर्चा करना शुरू कर दिया। अंतर्द्वीप आत्मनिवेदन क्षेत्र है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आत्मनिवेदन किए बिना भजन का शुरुआत ही नहीं होता। ध्यान दे इस बात पर, आत्मनिवेदन किए बिना भजन का शुरुआत नहीं होते। प्रभुपाद जी ने बताए ये संभव नहीं है। ब्रह्मा जी का कहानी बताएं हम भागवत से, कैसे कैसे ब्रह्मा जी अपराध किए, पहले क्षमा याचना की, फिर भी मन का प्रसन्नता उतना नहीं भाई, फिर ये नवद्वीप धाम में आकर अंतर्द्वीप में प्रार्थना किए, ठाकुर जी का तपस्या की, भजन की, ठाकुर जी दर्शन दी, ये सब बारे में चर्चा हो गया, काल चर्चा हुआ। महाप्रभु का आविर्भाव स्थली वो निम्ब वृक्षो, उधर पंचतत्मात्मकं गौरहरि है, इधर लक्ष्मी पिया विष्णु पिया सहित गौरांग महाप्रभु है नित्य विराजमान। और राधा माधव विग्रह का बारे में भी बताया, जगन्नाथ विग्रह, ये सब है। आगे चल के उधर नृसिंह लक्ष्मी नृसिंह है, वहाँ हमारा भगवती माँ, मतलब प्रभुपाद जी का माता जी, मतलब हमारा दुनिया का माता जी, ये भगवती माँ का वह समाधि है। वो समाधि का ऊपर लक्ष्मी नृसिंह का मंदिर है, और उसका पहले गौर गदाधर इस बाजू में विराजमान है। आगे आप देख पाओगे गौरकुंड है, गौरकुंड है। गौरकुंड का शोभा का बारे में शास्त्रों में आता है, बहुत सुंदर। और ये सब दर्शन का बारे में बताया। काल ये चर्चा करने का इच्छा रखते हुए समाप्त करना पड़ा ये युक्तो वैराग्यों का बारे में अनाशक्तस्य विषयानो यथार्हो मुपयुञ्जतो कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। और प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनो मुमुक्षो भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये दोनों श्लोक का थोड़ा बहुत चर्चा करके आगे बढ़ने का इच्छा है। कहने का मतलब है युक्तो वैराग्यो आश्रय किए बिना भजन संभव नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं दुनिया का तमाम व्यक्ति या तो भोग या तो त्याग, ये दोनों लेकर मस्त रहते हैं। ये सोचते हैं बहुत कुछ करके दिखाया, या तो भोग, तरह तरह का भोग का सामान हासिल करो, पैसा, मकान, बारी, रोटी, कपड़ा और मकान, समाज का इज्जत, प्रतिष्ठा, सब ये सब लेके व्यस्त है दुनिया का आदमी। प्रभुपाद कह रहे हैं ये 2 चीज़ लेके बिजी है। एक है भोग, एंजॉइंग मूड, एंजॉयमेंट, दूसरा है त्याग। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं ना तो भोग ना तो त्याग, ये दोनों में कृष्ण भजन का कोई ताल्लुकात है नहीं। कहने का मतलब है जब हमारी नज़र में गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा दुनिया का सारे सामान, सारे वस्तु, सारे चीज़ भगवान का सेवा का, भगवान का सेवा का वस्तु या व्यक्ति ऐसा महसूस होना शुरू कर दे, ये अच्छा है। दुनिया का जो भी वस्तु है, दुनिया का जो भी वस्तु है, भगवत सेवा का वस्तु है। अन्य व्यतिरेक रूप में, क्योंकि आप अभी लड़ाई करना शुरू कर दोगे मेरा साथ, बोले महाराज दुनिया का सारे आत्म भगवान का कैसे सेवा का वस्तु है, आप ये प्रश्न करोगे ना। इसलिए हमने बोला अन्य व्यतिक, दुनिया में जो नेगेटिव चीज़ चल रहा है ना उल्टा, ये भी व्यतिरेक रूप में भगवत सेवा। आई बात समझ में? भगवान का लीला का पुष्टि, माया का प्रभाव से कोई चोरी कर रहा है, कोई पुलिस का काम कर रहा है, पकड़ रहा है चोर को, सारे नाटकबाजी चल रहा है, ड्रामा, वो भगवान का लीला का पुष्टि के लिए। सो अन्य व्यतिक रेख रूप में तमाम भगवान का ही सेवा का वस्तु। इसका मतलब ये नहीं कि बाज़ार में दारू मिलता है ये भगवान को सेवा लगा, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने ये बात को खुलासा किया, अन्य व्यतिक रूप में तमाम चीज़ विचार करके देखो तो भगवान का सेवा का ही समान है और कुछ नहीं। और आसक्ति रहित, संबंध सहित, आसक्ति रहित, ये दोनों चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट। संबंध ज्ञान अगर हुआ, संबंध ज्ञान होने का साथ साथ आजू बाजू में जितना सारे वस्तु है समान, भगवान का सेवा का समान ऐसा महसूस होता है, नहीं तो नहीं होता है। अनासक्तस्य विषयानो यथार्हं पूजयन्तो, पोपत कह रहे हैं, अभी चर्चा किया। तमाम दुनिया का आदमी या तो भोग का रास्ते में या तो त्याग का रास्ते में दौड़ रहा है, दोनों में एक ही, कोई काम किसी काम का नहीं है। इसीलिए ये श्लोक हमारा पहले प्रभुपाद का समय में जब गौड़ीय पत्रिका निकालते थे, ये दो श्लोक गौड़ीय पत्रिका दो साइड, डायना और बायां, ये दो श्लोक हुआ करता था। दो श्लोक, अनासक्तस्य विषयानो यथार्हो यथार्हो मुपयुञ्जतो कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्यम उच्यते। युक्तो वैराग्य इसको बोला जाता है, ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट। तमाम दुनिया का वस्तु का साथ, व्यक्ति का साथ, भगवान का साथ प्रेम का एडजस्टमेंट होना जरूरी है। हमने ये उदाहरण दिया था बहुत दिन पहले, जब आसमान का सूर्य के साथ हमारा प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं होने से हम जल के खाक हो जाएंगे। ऐसे भगवान का साथ हमारा एडजस्टमेंट जो है, ये युक्तो वैराग्यों के द्वारा और प्रेम नेत्रों के द्वारा, प्रेम प्यार के द्वारा भगवान का साथ एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट हो जाता है। गुरु वैष्णव भगवान जब भी अपराखी जगत का ही हो सकता। सो अनासक्ति, जैसे बताया रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को श्रीमान महाप्रभु जी ने बताया, स्थिर होइया घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोके भव सिंधुकुल। जाओ घर में जाओ, जाके युक्तो वैराग्य आश्रय के ऐसे ही गुजारा किया करो कि किसी को समझ में नहीं आए कि तुम्हारे अंदर में भक्ति है, और समय आने से निकल के चले जाओ, हो गया। महाप्रभु जी ने बताया चैतन्य चरितामृत में है, स्थिर होइया चंचल मात हो। ये भवसागर पार करना कोई मामूली बात नहीं है। चंचल मात होना, स्थिर होइया घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोके भव सिंधुकुल। ग्रेजुअली people can get the scope to cross over this material ocean. ऐसा ही बात है। उसके बाद बताया महाप्रभु, मर्कट वैराग्य ना करो लोग देखाइया, यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त होइए। ध्यान दे इस बात कर। महाप्रभु जी ने इस बात को खुलासा किया। बंदरों का माफिक वैराग्य को दिखाने का कोशिश मत करो। बंदरों का माफिक वैराग्य को प्रदर्शन मत करो, कोई काम का नहीं है। महाप्रभु जी ने बताया, देखो बंदर जो है बाहरी भी दृष्टि में देख कितना वैराग्य है। आहा, बंदरों का कितना वैराग्य है, चुपचाप रहते हैं, उदासीन। आहा, और कोई सामान लेके जाए तो छट से छीन ले, खाना शुरू कर दे। और स्त्री संग तो हर वक्त करते ही रहते हैं। तो महाप्रभु जी ने अनोखा उदाहरण दी। महाप्रभु जी ने इतना जबरदस्त उदाहरण दी, ये सुनने लायक है। मर्कट वैराग्य ना करो लोग देखाइया, आ यथा योग्यो विषय भुंजो अनासक्त होइया। यथा योग्यो जितना जरूरी है शरीर को चलाने के लिए, भक्ति करने के लिए, उतना ही भगवान का प्रसाद समझ के ले लो। आत्मा अवश्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगतम जगता, और ईशावश्यम इदम सर्वम यत्किंचित, ये बहुत सुंदर अनोखा ईशावोनिषद का। एक महाभागवत वैष्णव कुछ भी मिलता है वो सोचता है भगवान का प्रसाद मिला, वाकई ही ये प्रसाद ही है और कुछ नहीं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि सम्बन्धी वस्तुना मुमुक्षोभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु मुच्यते। पापा जी कहते थे, हरि संबंधों का वस्तु जैसे ये जो वैशासन है, ये जो घड़ी है, ये जो सामान, ये जो सारे सामान है, इतना सुंदर देख रहा है, ये मेरा बाप का संपत्ति नहीं है, ये भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। मैं तो चाकर हूँ, नौकर हूँ गुरु वैष्णव का, अपना ड्यूटी को पालन करके लिए बैठा है। मेरा हरिकथा चर्चा, मेरा हरि कीर्तन करना, मेरा हरिकथा चर्चा, गुरु वैष्णव का गुलामी करना, मेरा हरिकथा, मेरा कीर्तन जो है आप देख रहे हो, ये मेरा गुरुवर्गों का गुलामी करना और कुछ नहीं है। मैं गुलाम हूँ, बस आदेश पालन करने के लिए बैठे हैं। तो जो भी सामान हमारा सामने है, किसी ने मेरे को बोला महाराज थोड़ा ये बादाम का पैकेट है थोड़ा ले जाओ। अगर वो बदमाश व्यक्ति नहीं है, चोर बदमाश नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रहा है, बदमाश नहीं है, उसका कैरेक्टर उतना खराब नहीं है, फिर ठीक है दो, लेके भगवान का सेवा में लगा देना। किसी ने कपड़ा दिया, मैंने माना किया मेरे को कपड़ा चाहिए नहीं, आपको दे सकता, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, कितना चाहिए, कुछ तो चाहिए नहीं। अब फिर भी अगर कोई दुखी हो के महाराज आप तो कापुर को स्वीकार करो, ठीक है दे दे, ले तो लिया, नहीं लेने से दुखी बन जाए, तो लेके उसको सेवा में लगा दो। ये जो नारद जी महाराज, अभी तो आज समय नहीं है, नारद जी महाराज वो जो व्याध है ना, ये जो वैद है हंटर, नारद जी महाराज वो वैद को क्या उपदेश दिया, ये सुनने लायक है। जब वैद ने बोला गुरुजी इतना सामान मत भेजो, इतना प्रसाद क्या करे, हम तो दोनों हैं, गुजर बसर हो जाता है। बोले देखो तुम्हारा जितना जरूरी है ले लो और बाकी दे दो, प्रसाद का रूप से दे दो। यही हमने सीखा है गुरुवर्गों से। इसका मतलब ये नहीं जो 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 कुछ दिया ले लिया, कम्बल वटरम नहीं, ऐसा नहीं, विचार करके सब करना है। तो प्रापंचिकतया बुद्धिया, कोई अगर कुछ देना चाहे, मायावादी अगर बोले नहीं 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 हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, पोपात कह रहे हैं हरि संबंधी वस्तु, ये सारे जो हरि संबंधित वस्तु ये अगम, ये अगर हम कहे ये बेकार है तो फेंक दो, ये सब विषय है तो अपराध हो जाएगा, ये विषय नहीं है। प्रापंचिकतया बुद्धिया, प्रापंचिक बुद्धि लेकर हरि सेवा का वस्तु को फेंक देना ये महामूरख का काम है। महामूरख फेंकना नहीं है। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगु मुच्यते। ये फलगु वैराग्य, ये फलगु वैराग्य है, बेकार जो भी है। अभी गौरांग महाप्रभु का आत्मनिवेदन क्षेत्रों का दर्शन और आत्मनिवेदन के बिना कुछ होता ही नहीं। और बहुत इम्पोर्टेंट एक सिद्धांतों मैं बताना चाहूँ, शायद आप सुने नहीं होंगे, हमको मालूम नहीं है। गुरु वैष्णव का कृपा से मैं चर्चा करने का इच्छा प्रकट किया। पहला बात यह है, मैंने चर्चा कर चुका, ये धाम परिक्रमा का एग्जैक्ट रिजल्ट प्राप्ति करने के लिए एक महापुरुष का अनुगत्य में, प्रणयी भक्तों का अनुगत्य में करना चाहिए। क्यों बताया? ऐसा बोलना क्या जरूरी था? हाँ, जरूरी था, क्योंकि श्रील सच्चिदानंद भक्तिवें ठाकुर जी ने बताया, ध्यान दे इस बात कर, बड़ा गहरा सिद्धांत तो विचार। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, ये धाम का ऊपर एक नेट, एक जाल बिछाया हुआ है। श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, ये धाम का ऊपर एक जाल बिछाया हुआ है। आज ये जाल का ऊपर जितना सारे होटल, दुकान, वारी, कार, गाड़ी चल रहा है, सब इसका ऊपर। ध्यान दे इस बात कर, इनेट का ऊपर है। तो ये प्रश्न आएगा, महाराज जब हम धाम परिक्रमा करने के लिए निकालते हैं तो क्या हम नेट का ऊपर है? हम नेट का ऊपर है क्या विराजमान, और धाम का साथ हमारा कांटेक्ट हो रहा है? ये जो सिद्धांत तो है एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है। हमने हरिकथा में ये भी चर्चा की, जब हम परिक्रमा करते करते आगे बढ़ रहा है, कौन जाने नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु का चरण धूलि, या तो शिवास पंडित, गदाधर पंडित, भक्त, कौन जाने जीव गोस्वामी पाद भी परिक्रमा की है, नौतम ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य, रामचंद्र गुरु, ये सब भी परिक्रमा किए, ईशान ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, कौन जाने किसका चरण धूलि मेरा सर पर आए ना आए, कोई हिसाब किताब है क्या? ये प्रश्न आता है। किसका चरण धूलि मेरा सर पर आएगा कौन जाने, ये जो शब्द हमने प्रयोग किया, इसका पीछे राज है। पहला बात हमने बोला, भक्तिवें ठाकुर जी ने बताया, नेट का ऊपर सारे है, और एकमात्र तो प्रणयी भक्तों महाभागवत वैष्णव जो है ये धाम का साथ जोड़ा हुआ है, कांटेक्ट। तो फिर कहाँ जाए हम? अगर परिक्रमा करने जाए, क्या नेट का ऊपर परिक्रमा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न आता है, दिल टूट जाएगा। इसीलिए मैंने बार बार इस सिद्धांतों को बोलने का कोशिश की, ये प्रणयी भक्तों महाभागवत का अनुगत्य में करना है, क्योंकि धाम का ऊपर जो कुछ भी चीज़ है सारे नेट का ऊपर है। लेकिन जब मैं श्रील भक्ति दे तो माधव गोस्वामी महाराज का अनुगत्य में, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का अनुगत्य में, या परम केशव गोस्वामी महाराज, श्रीधर गोस्वामी महाराज का अनुगत्य में परिक्रमा करने के लिए निकल पड़ा, या तो प्रभुपाद का अनुगत्य में निकाल पड़ा परिक्रमा करने के लिए, उस समय क्या होता, ये नवद्वीप भाव तरंग में भक्तिवें ठाकुर ने क्लियर किया, काल हम उठाया था इस बात को। ये योग माया कृपा करके जो नेट है, जो जाल बिछाया हुआ है, इसको हटा लेते। कब हटा लेते? जब हम परिक्रमा करने निकाले अंतर से, जब हम परिक्रमा करने निकाले अंतर से। ये प्रभुपाद जी का अनुगत्य में या तो परम माधव गोस्वी महाराज के अनुगत्य में इस समय अगर मैं परिक्रमा करने निकाला तो ये लोगों का इतना क्षमता है कि क्योंकि धाम मैंने पहले ही बताया, धाम बलदेव तत्व है, पहले ही बताया, और गुरुदेव भी बलदेव तत्व है, तो क्या हार्जा है? क्या परम माधव गोस्वी भक्ति तो माधव गोस्वी महाराज भक्ति है ना, फिर भक्ति पूरी गोस्वी महाराज, ये सब जो प्रणयी भक्त है, महाभागवत जो है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे अभद्र जीवों को दिखाने के लिए। धाम देखो, ये महाप्रभु का आविर्भाव स्थल, ये शिवास आंगन है, अद्वैत भवन है। क्या ठाकुर जी कृपा नहीं करेगा? क्या ठाकुर जी तो कृपा करेगा ना थोड़ा बहुत। और जो दीक्षित है उसका तो कहना ही क्या, जो दीक्षित है, जो दीक्षित नहीं है वो भी थोड़ा कृपा मिलेगा उसको। और जो दीक्षित है, संबंधगत सहित है, और गुरु वैष्णव का एकदम पक्का अनुगत्य में कर रहा है, तो कहना ही क्या। तब तो गुरु जी जब दिखा रहा है धाम देख, नवद्वीप धाम, ये सब तो प्रेम नेत्रो काल इस बात को उठाया था ना, प्रेमांजनच्छरित भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजनच्छरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। ये दर्शन गुरु वैष्णव का इतना कृपा है, हो सकता जो भी है। अभी महाप्रभु का जन्म स्थान दर्शन, निम्ब वृक्ष आदि दर्शन करके, दर्शन का जो पहले का नित्यानंद प्रभु का समय जो परिक्रमा का पद्धति है कैसे कैसे, और इसका बाद नदी द्वीप थोड़ा चेंज हो गया। जब भी नवद्वीप धाम ये जियोग्राफिकल फिगर का अंदर नहीं आ सकता, फिर भी क्या करे, ये नदी फदी ऐसा वैसा इधर उधर हो गया कि सब उल्टा पल्टा हो गया। इसीलिए नित्यानंद प्रभु का समय में ये तमाम ये अंतरद्वीप न ये जो अंतरद्वीप मायापुर दर्शन करने का बाद सारे धीरे धीरे हमको निकालना है करके। उन जमाने में जीव गोस्वामी पाद नित्यानंद प्रभु जी का अनुगत्य में परिक्रमा कैसे किया था, ये चर्चा करने का थोड़ा जरूरी है। इधर का पूरा परिक्रमा करके सीमंत द्वीप, शॉर्ट डांगा, मतलब जहाँ जगन्नाथ में सब करके वो नदी पार करके उस पार चले जाते गोद्रुम। अभी हमारा परिक्रमा का सिस्टम थोड़ा बदल गया, और ईशान ठाकुर का अनुगत्य में जब श्रीनिवासाचार्य, रामचंद्र गोविराज, नौतम ठाकुर आदि परिक्रमा किए, उस टाइम में नदी फदी और द्वीप का थोड़ा जो व्यवस्था अब तो ठाकुर जी का कृपा से कैसा हो गया। इसीलिए वर्तमान जो परिक्रमा का प्रोसीड्योर है, पद्धति है, इस बारे में थोड़ा चर्चा करना जरूरी है। ये जोगपीठ मंदिर का दर्शन करने का पहले तो गुरु जी को दंडवत करके निकालना है। हमारा गुरु जी को दंडवत हमने करके निकालने का बाद फिर आगे चल के नंदन आचार्य भवन को दर्शन करना है, जहाँ हमारा परम पूज्य गोस्वामी महाराज जी ने मंदिर किया है। जो नंदन आचार्य भवन में नित्यानंद प्रभु वृंदावन से आके पहले उधर रहा था, जो नंदन आचार्य भवन में गौरंग महाप्रभु का साथ पहला मुलाकात का नाटक किया। इसके बाद आगे बढ़ के थी आगे चलो, उसका बाद गौरंग महाप्रभु का दर्शन होगा, गौरंग महाप्रभु का जो जन्मस्थली अर्थात सचिरंगन मिश्र भवन, जगन्नाथ मिश्र भवन, जोगपीठ। इसके बाद आगे चल के वहाँ शिवास आंगन है, शिवास आंगन है, अद्वैत भवन है, ये सब चर्चा हो गया। उसका बाद ठीक ऑपोजिट जो है शिवास आंगन का ऑपोजिट गेट है, एक पोस्ट ऑफिस है, उसका बगल से सीधे चले जाओ। जाने का बाद आपको क्या मिलेगा? भारुई डांगा। भरद्राज मुनि ने यहाँ आया, भजन किया, गौरांगों का कृपा प्राप्त हुआ। ये भरद्राज टीला है, या भरद्राज मुनि ने तपस्या की। इसके आगे चल थोड़ा आगे बारोकोना घाट हमने कल बताया, जहाँ केशव काश्मीरी जो अद्वितीय पंडित को पराजित किए महाप्रभु जी ने, बड़ा प्रेम का साथ पराजित किए और उसको प्रेम भी दान किए, कृपा किए। उसका बाद मादाई घाट का बारे में चर्चा किया। मादाई घाट कौन है, कौन सी है, जहाँ जगाई मादाई ने बड़ा अपराध का बाद कृपा मिला नित्यानंद, जगाई मादाई ने बहुत पाप किया। इसका बाद नित्यानंद प्रभु और गौरंग नित्यानंद प्रभु का कहने से, प्रार्थना से गौरंग महाप्रभु कृपा कर दी। उसके बाद जगाई मादाई ने बोला आप जो कृपा किया कैसे समझे, एक सेवा दे दो, तो बोला ठीक है चल। ये मादाई का घाट है, हजारों आदमी नहाने के लिए भक्त लोग आता है, तो अगर एक घाट को साफा करते रहे और चरण में गिरा के प्रार्थना करे, पहले जो कुछ भी हो गया रहने दो, क्षमा करो, पहले तो पता नहीं था हमने पापी था, अब क्षमा करो, ऐसा सारे भक्त लोग नहाने आएगा, हाँ सब कोई का चरण में गिरा कर प्रार्थना करते रहे। इसका नाम है, क्या नाम है इसका हमने बताया, इसका नाम है आपका ये मादाई घाट। इससे थोड़ा डायना मोड़ लो, थोड़ा आगे चलो, वहाँ जयदेव कवि का बहुत प्राचीन लक्षण सेन का समय में यहाँ रहा करते थे। और जब राजा उनके दर्शन के लिए अपने को छुपा के आया था, उन्होंने समझ गया ये राजा आया है, विषय का दर्शन भक्तों के लिए निषिद्ध है। महाप्रभु जी का ये कहना है निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य परं परम जीगोमीश भवसागरस्य संदर्शनम विषयनमथो जसितानंचो हा हंतो विषभक्षण तुभ्य साधु। महाप्रभु जी ने बताया, इसीलिए जयदेव गोपी दुखी होके चले गए, दुखी होके चले गए। कहाँ गए? भले ओ चापाहाटी दिजो मानीनाथ का जो आश्रम है, दिजो मानीनाथ का आश्रम मंदिर गौरगाद विग्रह, वो चापाहाटी चला गया। जयदेव गोसाई बहुत पहले चला गया था, सब लक्षण सेन के समय में, जो भी है चलो। अभी उधर से फिर जगन्नाथपुरी चले गए। ये जयदेव गोस्वामी का वो श्रीपाठ है, झोपड़ी बनाकर भजन करते थे राधा माधव का। ऐसा करके डायना मोड़ लेके धीरे धीरे चलते कहाँ हैं? भले महाराज उधर आएगा सीमंत द्वीप। सीमंत द्वीप का बारे में बोला, ये हमारा गोद्रुम द्वीप का बारे में हम बाद में बताएंगे, अभी समय नहीं भाई। ये कित्तोनाखा और ये जो सीमंत द्वीप जो है, सीमंत द्वीप जो है, पहला तो बताया आत्मनिवेदन क्षेत्रो और गोद्रुम श्रवणाखो, है ना, शोभनाक्ष द्वीप है आपका सीमंत द्वीप, शोभनाक्ष सीमंत द्वीप है। सीमंतिनी देवी मतलब पार्वती देवी ने गौरांग महाप्रभु का बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुआ शिवजी महाराज से, उसका बाद वहाँ बैठ के भजन की, भजन करने का बाद बड़ा कृपा भाई गौरांग महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु दर्शन दी और रोते रोते देवी कही, ठाकुर जी आपने मेरे को ऐसा सेवा दिया कि मेरा फुर्सत नहीं है, मेरा फुर्सत नहीं है, सब बेकार की काम करते रह, क्या करूं, आपका चिंतन कब करूं, ऐसा करके रोई। उसके बाद गौरांग महाप्रभु जी ने कृपा की कि चलो कोई बात नहीं आप भजन करो, और गौरांग महाप्रभु जहाँ चरण रखे वो जगह से अपना धूली उठाकर अपना सीमंत माने जहाँ वो हमारा भारत में हिंदू समाज में जो जो सिंदूर लगाता है ऐसा उठाकर ऐसा लगा दी, इसीलिए इस द्वीप का नाम है सीमंत द्वीप, शिमुलिया सीमंत द्वीप। अब ये सीमंत द्वीप जो है यहाँ जाके भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन है, कुलो देवी जोगमाया मोरे कृपा कोरी आवरण संगबीरूबे तुम्हें विश्व धोरी, सुने छी आगम वेदे महिमा तुम्हार, श्री कृष्ण विमुख धोरी कराओ संसार, श्री कृष्ण सन्मुख को जार भाग्य को में है तारे मुक्ति दिया करो अशोक है निष्कपट हे मता। वहाँ पर ये सब सुंदर सुंदर कीर्तन करना है वो सब जगह। एक बात मैं कहना भूल गया, क्षमा करे, वो जो बारकोना घाट आदि बताया, उन जमाने में महाप्रभु का समय में उस समय ये आपका जो बूढ़ा शिव तला, बूढ़ा शिव और वहाँ जो पोड़ामा जिसको आप पोड़ामा कहते हो, पोड़ामा तला, ये पोड़ामा और विद्ध शिव इस तरफ पहले, उसका बाद नदी का तोड़फोड़ हो गया आ करके फिर आगे चलकर ये लोग ब्राह्मण लोग लेके उधर स्थापन कर दिया, लेकिन महाप्रभु का समन में इस तरफ। खैर छोड़ो आप क्या करें, वहाँ सीमंतद्वीप दर्शन करते करते आपको आगे चलना पड़ेगा, सीमंतद्वीप दर्शन करते करते आपको आगे चलना पड़ेगा। आगे चल के कहाँ आओगे, भले मैं ऐसा करके आगे चलो, आगे चल के धीरे धीरे आपको बेलपुखुर जिसको बोला, जिसको हमारा हम जिसको बिल्लोवन कहते हैं, बेलपुखुर पहुँचेगा। बेलपुखुर पहुँचने का बाद वहाँ श्रीमान महाप्रभु का जो दादाजी हैं मतलब नीलम्बा चक्रवर्ती का सिपाट है, वहाँ विग्रह है, सुंदर विग्रह है, मैंने कई बार गया वहाँ, उसका सेवित विग्रह का सेवा हो रहा है। और उसका बगल में थोड़ा आगे चल के बेलपुखुर हो गया, बेलपुखुर बिल्लोवन, और ये बिल्लोवन में थोड़ा डायना बाजू आगे चलो जो मंदिर है, आगे पंचभक्तो शिव दर्शन होगा। उसमें एक तालाब है, उसमें चतुष्षण आके भजन की, चतुष्षण भजन की और गौरांग महाप्रभु दर्शन प्राप्त हुआ। ज़्यादा विस्तृत व्याख्या करें तो आज और काल लेकर होना संभव नहीं है। हमारा स्पेशल चीज़ है तत्व दर्शन, तत्वों का विचार करें। फिर उधर से आगे चलकर आगे धीरे धीरे चलो, चलते चलते फिर आपको आएगा इस तरफ जिसको हम राजापुर कहते हैं, शॉर्ट डांगा, शबर, ये जो शबर डांगा इससे ये चेंज होते होते सर डांगा हो गया, ये ऐसा ही है जैसे पौड़ा वो बोलते बोलते पोड़ामा हो गया। ऐसा ही है, उधर चल के आपको जगन्नाथ मंदिर दर्शन हो सकता है सुंदर। जिस जगन्नाथ मंदिर बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्यों? ये जो हमारा पुरुषोत्तम धाम में जो जगन्नाथ जी है, रक्तबाहु बोल के एक असुर है, एक मुस्लिम असुर है। इनके डर के मारे भक्त लोग इधर लेके आए शबर, शबर ये सब लेके शबर डांगा। जगन्नाथ बोले सुभद्रा को लाके यहाँ सेवा अर्चन सेवा शुरू कर दी। और शास्त्रों में कहावत है, ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी है, ये नित्य नीलाचल धाम, ये नित्य नीलाचल धाम, ये नित्य पुरुषोत्तम धाम है, कोई शक नहीं है। ये जगन्नाथ जी का दर्शन करो। मैंने कई बार गया, पानी भी चढ़ाया, जो स्नान यात्रा में बड़ा आनंद की बात। ये सब करके वहाँ का जगन्नाथ मंदिर का थोड़ा पीछे से, क्योंकि अभी देखो पहले का परिक्रमा का जो व्यवस्था, अब जो मंदिर फंदिर बन गया है, किसी ने अपना दीवार खड़ा कर दिया, घूम के जाना पड़े, ये सब होगा। अब क्या करें, पहले का ज़माना अलग था। फिर आगे चल के 20 कदम 50 कदम चलो तो हमारा ये जो श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज माने ये जो खोला बेचा श्रीधर गौरांगो जी का, गौरांग महापू का लीला में जो आपने सुने होंगे, खोला बेचा आपने सुने होंगे, खोला बेचा श्रीधर। खोला बेचा श्रीधर मतलब श्रीधर जी, श्रीधर खोला बेचा श्रीधर रोज केले का फूल, केले का पत्ता, केले का जो अंदर का जो है, वो सब लेके बिक्री करते थे। महापू डेली लेते थे और रोज झगड़ा करते थे, कितना मूल कितना कीमत है, इतना ना ना इतना नहीं देंगे, आधा बोलते नहीं हम नहीं देंगे, ऐसा करके खींचा खींची। प्रभु इच्छा करके ये जो आपका खोला बेचा श्रीधर है, ये गंगा जी को पूजन करते थे। जितना मार्केट में केला फूल आदि बिक्री करके जो उसका आधा गंगा पूजा में, आधा अर्चन में, आदि सो खाने पीने में, थोड़ा भोग राग में लगा देते हैं। महाप्रभु एक दिन बोला, देखो तुम कुछ नहीं देते हो और तुम्हारा बहुत सारे संपत्ति है, तुम्हारा बहुत सारे संपत्ति है, मैं जानता हूँ, हम इसको खोल के रख देंगे, तुम्हारा पोल पट्टी खोल के रख देंगे, देखो एक दिन आ रहा है। ऐसा करके मजाक उड़ाया। अब सही वाकई, क्योंकि इसका अंदर में जो प्रेम संपत्ति है, ये क्या कहे, सचमुच इतना प्रेम संपत्ति है। महाप्रभु ने आगे चलकर साबित कर दी, पहले तो किसी को पता नहीं था, लेकिन ये गौरांग महापू अपना पार्षदों के साथ इनके मंदिर में पहुँचे। मंदिर में टूटा हुआ एक साबुत पात्र भी नहीं है जिसमें पानी रखे। महाप्रभु वह लोहे का फूटा पात्र में लेके पानी पीना शुरू कर दिया। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, भक्तों का पानी, भक्तों का खाना ये मेरा ही है, छीन छीन के खाता है। उधर से मोड़ के अगर थोड़ा पीछे आओ, वहाँ आपका बल्लाल ढीपी बोल के एक निकालेगा। अब इधर से आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, कभी आप परिक्रमा पहले किया है तो आपको थोड़ा मन में थोड़ा पिक्चर आ सकता है, नहीं तो वर्णन के द्वारा अनुभव में लाओ कुछ। उसका पीछे धीरे धीरे चल के बल्लाल ढीपी माना इस जगह का कहानी है। शिल पृथु महाराज जी, शिल पृथु महाराज जी सत्य युग में जब ऊंचा नीचा जगह को एकदम प्लेन, जिस जगह आदमी बसने का व्यवस्था थोड़ा प्लेन करने का ये व्यवस्था की है पृथु महाराज, तब इस जगह आके जब काटना शुरू कर दिया, मट्टी प्लेन करें, उसमें से एक ज्योति निकल रहा है। ये समझने का बाद पृथु महाराज भगवान का 27वां अवतार है, अनायास समझ गया कि नवद्वीप धाम है, तुरंत समझ गया, चलो ठीक है। ये इस जगह इन्होंने एक तो तालाब झील खनन कर दी, कहा ठीक है। ये सब नाम है पृथुकुंड। अब पृथुकुंड तो पहले था, अभी बल्लाल सेन आदि, उसका बाद लक्षण सेन, बल्लाल सेन का नाम पे उसका पोत लड़का लक्ष्मण सेन ने एक दिघी बनाए, बल्लाल दिघी। ऐसा करके घूम घाम कर मैंने, देखो क्षमा करना, मैं जाम कर रहा हूँ, कुछ उपाय नहीं है। काल का दिन का अंदर हमको सारे परिक्रमा का थोड़ा बताना है। ये नवद्वीप भाव तरंग का अनुसार उधर से पीछे आते आते आप क्या कहाँ जाओगे, धीरे धीरे उधर से निकल करके सब सारे हो गया। इसका बाद आप कहाँ आओगे, हम अभी का परिक्रमा का अनुसार सीमंत द्वीप बताया। और भक्तिवेद ठाकुर जी ने पहले सरडंगा उपटबा सीमंत द्वीप, लेकिन हमारा गुरुवर्ग अनुगत में ये परिक्रमा किया, ये पहले इधर करके चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करके आ जाएंगे कहाँ, जहाँ आपका काजी का उद्धार हुआ। काजी कौन है ये क्वेश्चन आता है। काजी हमारा दापर युग में काम से है, काकी काजी, काजी जो है, काजी जो है, काजी ये दापर युग में कांक्ष था। इसीलिए महाप्रभु जब आंदोलन शुरू किया, वो जो संकीर्तन बंद करने के लिए जो इरादा पक्का किया था, उसको तोड़ फोड़ के महाप्रभु जी ने, इसको तोड़ फोड़ पे महाप्रभु जी ने आंदोलन किया। मसाले के सारे भक्त लोग कीर्तन करते करते गए और काजी का घर में गए। काजी डर के मारे छुप गए, इतना भक्तों देखकर। बाद में महाप्रभु धीरे धीरे बुलाया तो माथा नीचू करके आए, बोले मामा। मामा क्यों बताया, कंसो मामा था ना, इसीलिए मामा हम तुम्हारा गेस्ट है, अतिथि है, अब हमको देख के घर में छुप कर है, बोले आप गुस्सा करके आए हो, इसीलिए आपको शांत करने के लिए मैंने थोड़ा, अभी आप शांत हो आ गया। बोले इतना कीर्तन हो रहा है, आप अभी माना क्यों नहीं कर रहे हो, आप तो कीर्तन बंद करने के लिए गया था ना। अब वो जो मृदंगों को तोड़ा था, अब क्या हुआ, इतना लोग कीर्तन कर रहे हैं। बोले क्या कहूँ, एकांत में आओ, एकांत में आओ, थोड़ा कुछ 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 कहना चाहता हूँ। माँ बोले देखो ये सब हमारा अंतरंग भक्त है, अब कहो कोई बात नहीं। बोले क्या कहे, जिस दिन मैं मृदंगों को तोड़ा है, उस दिन रात को सोया था, और सो के जब देखा एक निशिंगो मेरा छाती पर चढ़ के बोला, तेरे को मृदंग का बदले में तेरा छाती फोड़ देंगे। हम तो डर के मारे एकदम हिलना शुरू कर दिया मेरा हृदय। बाद में बोले देख उस दिन तू ज़्यादा नुकसान नहीं किया, इसलिए आज सब तुमको क्षमा, तेरे को क्षमा करके जा रहा हूँ। दोबारा अगर ऐसा हुआ तेरे को फाड़ के रख देंगे, तेरा वंश, तेरा जितना सारा खानदान है उधर जाएगा, उतार जाएगा, खानदान एकदम ख़त्म कर देंगे। हमने तो देखो देखो ये हमारा छाती पे ये नाखून का दाग है, महाप्रभु को दिखाए। भक्त लोग आश्चर्य हुए, आश्चर्य हुए, महाप्रभु निशिंग रूप धारण करके ऐसा किया। और मामा संबोधन करके उसका साथ बात किया। और ये जो काजी है, ये जो काजी है, ये जिसका अनुगत्य में है, आई बात समझ में, ये जो काजी है हुसैन शाह, काजी जो है बांग्ला का बादशाह हुसैन शाह का अनुगत्य में है। ये हुसैन शाह जो है जोड़ासंध है, ये हुसैन शाह कौन है, जोड़ासंध है, इसका अनुगत्य में है। चलो ठीक है। ये काजी का उद्धार का ये जो स्थान है, ये पहले मुस्लिम लोगों ने कैप्चर कर लिया था। ये हमारा प्रभुपाद का समय में केशव गोस्वामी महाराज आदि हमें इन सब स्थानों को उद्धार किया। वहाँ एक चापा वृक्ष है, वहाँ एक चापा फूल का एक जबरदस्त वृक्ष है, सुंदर, बहुत पुराना, 500 साढ़े 500 साल पुराना, बड़ा हैरान की बात है। वह है, उनके नीचे बैठकर काजी उद्धार का लीला गुरुवर्गों से सुना है, अभी भी भूल नहीं सकता, कितना सुंदर ये सब लीला। उसके बाद काजी उद्धार का बाद महाप्रभु जी ने पूछा, बस संकीर्तन क्यों नहीं बंद कर रहे हो? बोले देखो, मैं जो अपना प्यादा को भेजता हूँ संकीर्तन बंद करने के लिए, वहाँ जो संकीर्तन चल रहा है वहाँ से आग आ रहा है, आग, जहाँ संकीर्तन चल रहा है वो माना करने जा रहा है, आग आ रहा है। देखो मुस्लिम लोगों का जो दाढ़ी है सब जल गया, उससे इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ, हम सारे प्यादा को बोल दिया कि तन माना करने का कोई दरकार नहीं, जाओ अपना घर में बैठे रहो और तनख्वाह ले जाओ। क्या करे, आग आ रहा है, जहाँ संकीर्तन जलो वहाँ माना करने जाए तो आग आ रहा है जलाने के लिए, क्या करूँ? तो ये सब कहानी, ये सब जो सिद्धांत तो सुनकर उधर से धीरे धीरे चलकर हम कहाँ आएंगे? वहाँ आएंगे बामन पुकुर बाजार। एक्चुअली वो जो खोला बेचा सीधर जो है, ये जो खोला बेचा सीधर है, उन जमाने में ये बामन पुकुर बाजार में बैठते थे बिक्री करने के लिए। यहाँ से आगे चलकर धीरे धीरे आए महाप्रभु का मौसा का घर है, चंद्रशेखर आचार्य भवन, महाप्रभु का मौसा का घर है। वो मौसा का घर, इसको ब्रजोपत्तन बोला जाता है। इस जगह पोपा जी ने राधा कुंड श्याम कुंड को आह्वान करके लाए, ये साक्षात राधा कुंड है, पोपा ने बुला के लाए। राधा कुंड श्याम कुंड है, वहाँ हमारा श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर है। फिर पोपा जी का जो शतकोटि नाम यज्ञ किया है, ये शतकोटि नाम यज्ञ का एक कमरा है, वो भजन कुटीर बन गया उधर पोपा जी का। उसका बगल में भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी ने समाधि दिया है। अब तो राधा गोविंद जी का मूर्ति भी है, गौरहरि मंदिर में विराजमान है। और राधा कुंड श्याम कुंड का तीर में, राधा कुंड का तीर में वहाँ गिरिराज महाराज का प्रतिष्ठा करवाया प्रभुपाद जी ने। गिरिराज महाराज राधा कुंड श्याम कुंड आदि सारे व्यवस्था कर दी। ये साक्षात गिरिराज महाराज है, ये कोई साधारण नहीं है। इसके बाद राधा कुंड श्याम कुंड का जुगल परिक्रम और गिरिराज महाराज का परिक्रम करने से ये साक्षात गिरिराज और राधा कुंड श्याम कुंड का परिक्रमा हो जाता है। ऐसा करके राधा कुंड श्याम कुंड आदि सारे हो गया हैं। ऐसा तो हम तो परिक्रमा का 2 दिन का गया। कैसे? पहला दिन अंतर्द्वीप हो गया, नेक्स्ट डे हमने बताया कि भारुई डांगा होकर सब हमने बताया कैसे बेलपुकुर होके जगन्नाथ सौर डांगा होके आया। हमने सारे बताया। ये आपका दूसरा दिन का परिक्रमा का प्रसंग है, ये आपका दूसरा दिन का परिक्रमा का प्रसंग है। ये परिक्रमा होने का बाद मंदिर में जाके विश्राम ले लेते। वर्तमान समय में नित्यानंद बाबू का समय में ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ मैं भी जब ब्रजमंडल परिक्रमा करता हूँ, ये परिक्रमा जहाँ रुके वहाँ विश्राम करे, आगे चले। आजकल का समय नियम बदल गया, भक्त लोग मठ में आ जाते, खाना पीना करके विश्राम करके फिर सुबह में परिक्रमा लगा लेते हैं। तो इसका बाद हमने जो सीमंतोद्दीप श्रवणाख्या जो व्याख्या की, इसके बाद हमने जो ऐसो कीर्तन आख्या जो द्वीप है गोद्रुम द्वीप, इसका बारे में काल चर्चक गोद्रुम द्वीप करेंगे, मध्योद्वीप करेंगे, सुवर्ण विहार, निशिंगबली सारे, इसके बाद कोलोद्वीप आदि, फिर उसके बाद चापाटी सारे हम काल ये परिक्रमा का खंड जो है इसको समाप्त करना चाहिए। जो भी है वर्तमान समय का जो परिक्रमा का अनुसार मैं करने के लिए मजबूर हूँ, पहले ऐसा नहीं था। नित्यानंद बाबू वहाँ सारे परिक्रमा करके नदी को पार करके उस तरफ चले जाते हैं। चले सुवर्ण विहार, मैंने देखा सुवर्ण विहार परिक्रमा का प्रसंगों, सुवर्ण विहार होने का बाद धीरे धीरे आगे चल के फिर निशिंगबली चले जाए, निशिंगबली का बाद चले जाए पूरा एकदम गंगा का किनारा। वहाँ निशिंगबली में अभी भी अलोकानंदा का एक जो पहले धारा था, अभी तो नहीं है। चलो ऐसा करके मैं थोड़ा गोद्रुम द्वीप का थोड़ा बहुत चर्चा आज करना चाहूँ, क्योंकि अगर ना करूँ तो काल इतना टाइम मिलना संभव नहीं है। तो काल का दिन विश्राम होने के बाद नदी पार करके नदी पार करके धीरे धीरे गोद्रुम द्वीप में घुसा है। गोद्रुम द्वीप में आगे चलकर धीरे धीरे कहाँ जाए, बड़ा धीरे धीरे सुरभि कुंज, जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है कहाँ नदिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजन पाथियाचे नाम हाटो जीवेरो कारण सुरभि कुंजे नामेर हाट। ये सुरभि कुंज है, इसका कहानी है जब इंद्र महाराज ने बड़ा हरकतें की, अपराध की, भगवान गोपाल जी क्षमा कर दी। मैंने थोड़ा सा टच करना चाहूँ आपको याद दिलाने के लिए। तो क्षमा कर दी भगवान ने, फिर भी मन में संतोष नहीं भई, मन में सेटिस्फेक्शन नहीं आए, क्योंकि सुरभि माँ, सुरभि गौ माता को सामने लेकर इंद्र महाराज आए। क्योंकि अगर भगवान फटकार दे, गाली दे, गुस्सा हो जाए, इसीलिए सुरभि माँ को सामने लेकर आए। माँ आप थोड़ा आगे चलो, मैं पीछे चलूँ, भगवान आपको देखने से प्रसन्न हो जाएगा, अब मेरे ऊपर कृपा करेगा, आप थोड़ा कृपा करो। सुरभि देवी को लेकर वहाँ पहुँचे, वही गो कृष्ण लीला में। यहाँ सुरभि देवी का अनुगत्य लेकर हमारा इंद्र महाराज जी उधर बैठ के भजन की, गौरांगों का कृपा प्राप्त हुआ सूर्यभि देवी का अनुगत्य में उधर बैठ के, इसीलिए इसका नाम है सूर्यभि कुंज। इंद्र महाराज वहाँ भजन आगे थोड़ा चल के सेला स्वानंद सुखदा कुंज बोला जाता है, इसका नाम स्वानंद सुखदा कुंज। ललिता सोखी का स्वानंद सुखदा कुंज ऐसा है कि स्वानंद सुखदा कुंज ललिता सोखी का, ललिता सोखी का कुंज है ब्रजधाम में। ये भी अभिन्न है जहाँ भक्ति विनोद ठाकुर ललिता सखीर अजोग्य किंकोरी विनोद धरी चपाए जय भजन। एक बात ध्यान देना, इधर भक्ति विनोद ठाकुर के साथ जो इनके सेवक कृष्णदास बाबाजी महाराज जिसका समाधि है, गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज का भजन कुटीर है, नंदीश्वर महादेव है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्यों नंदीश्वर महादेव क्यों प्रतिष्ठा किया? पहले ये नंदक गांव है, इस ये नंदक गांव है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है ये नंदक गांव है, इसीलिए नंदीश्वर महाराज का प्रतिष्ठा किया। नंदिया है, वृंदा देवी, सब आगे चल के धीरे धीरे चलना शुरू कर दो। जीवो गोस्वामी बात को लेकर नित्यानंद बाबू निशिंगपल्ली का बाद हरिहर खेतों गया। हम लोगों का अभी उल्टा उल्टा, मतलब ये गोद्रुम सानंद सुखदा कुंज दर्शन करके कृपा प्राप्त करके आगे चल के हम कहाँ पहुँचेंगे? भले महाराज कभी कभी ऐसा होता है सुवर्ण विहार चले जाते, यही ठीक है। सुवर्ण विहार पहले चले जाओ। सुवर्ण सेन राजा जिसका नाम आज हुआ बुद्धिमंत खान, ये सुवर्ण सेन राजा सत्य युग में है। ये बड़ा प्यासी था भगवान का कृपा के लिए, बड़ा इन्होंने जन्म लिया हैं बुद्धिमंत खान। जिन्होंने महाप्रभु जी का शादी का, महाप्रभु जी का विवाह का जितना सारे खर्चा इन्होंने उठाया था, इतना बाजा बजाया, राजा भी ऐसा नहीं कर सकता। बुद्धिवंत खान का जो पहले जो सुवर्णसेन राजा था, उन जमाने का खम्बा फम्बा सब मिट्टी का अंदर से निकाला राजधानी का। ओ सुवर्ण बिहारी हरि भगवान का पूजन होता है उधर, पोपा जी ने सेवा का प्रतिष्ठा की वहाँ। वहाँ से आगे चलकर आपको चलना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे चलकर आपको जाना पड़ेगा कहाँ, पंचानन तला। ये पंचानन तला मतलब शंकर भगवान का यह महाप्रभु जी ने विश्राम किया था। ये बट वृक्ष है पंचानन तला, बहुत सुंदर जगह है। भक्तों लोग, हमारा गुरुजी भी बैठते थे, तीर्थो महाराज जी भी बैठते थे, तमाम भक्तों लोग, और बैठ के कीर्तन आदि करके फिर आगे चलो, जाके एक रेल लाइन है, रेल लाइन को क्रॉस करके हम नृसिंहपल्ली का ओर जाते हैं। और ये नृसिंहपल्ली, ये इसको, इसका नाम है देवपल्ली। ये कोई आज का बनाया हुआ नहीं है, सत्ययुग से विराजमान है। नृसिंह भगवान मिट्टी का अंदर से निकाला है। हमारा महाप्रभु का पार्षद ये मिट्टी का मिट्टी का नीचे गुफा में भजन करते थे। इनके नाम है नृसिंगानंद ब्रह्मचारी, नृसिंगानंद ब्रह्मचारी। ये मिट्टी का अंदर से निकाला। यहाँ शास्त्रों में प्रमाण है जे हिरण्यकशिपु को ख़त्म करके, हिरण्यकशिपु को ख़त्म करके प्रभु जी ने ये इधर जो नदी है तालाब, इसमें पानी में हाथ धोया, इसका बाद विश्राम किया इस जगह, इसलिए इसका नाम है देवपल्ली। सारे ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण सब ये जगह एक एक का भजन कुटीर है, सब एक एक का टीला है। इंद्र टीला, वरुण टीला, ब्रह्मा टीला, सारे अभी दिखाई नहीं पड़ता, अपने को दिखता नहीं, लेकिन और मिट्टी का अंदर में जो नृसिंगानंद ब्रह्मचर्य भजन करते थे, आजकल पुजारी उसको, उसका अंडरग्राउंड बर्तन रखने का जगह बना लिया, और ऊपर में परमान्न ऋषि करके भगवान का भोग लगाता है। और नृसिंहपल्ली साक्षात नृसिंह भगवान है। क्यों? ये गौरंग महाप्रभु का कृपा के ये चिन्ह है, क्योंकि ये गोद्रुम द्वीप है। इसीलिए प्रभुपाद जी, हमारा प्रभुपाद जी ने दिव्य नेत्रों में देखा, रोज नृसिंहपल्ली से भगवान आते हैं जोगपीठ में। तो पापा जी ने सोचा, अरे रोज आए, ऐसा क्यों ना करे, तो नृसिंह की इधर ही प्रतिष्ठा करे। पापा जी ने लक्ष्मी नृसिंह का प्रतिष्ठा किया। इसका बारे में काल चर्चा करते हुए मैं आगे परिक्रमा का आगे तरफ बढ़ने का इच्छा रखते हुए आज कथा का विश्राम देने का विचार कर, क्योंकि आपका आदेश है 9:30 का अंदर। तो जो भी है, जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, इसको भूलना नहीं, इसको याद में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नैतात मनो में तब कथा सुवैकुंठ नाथो संप्रियते दुरित दुष्टम असाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयशनार्थम तस्मिन् कथम तव गतिम विमिषामि दीना, तस्मिन् कथम तव गतिम विमिषामि दीना। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।